डीआईसी जा रहा हूँ और फटाफट से निकलना है। And I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them knowing I'm owning this flow. You can catch me outside. Gonna get them all with a little payback. Never gonna fall, I'ma stay on the attack. Put them up against the wall as I finish every track. Never gonna stall, no, I'm never gonna stop. Double entry ho gayi hai. Finally, pass apne pass aa gaya tha by WhatsApp. To in beauties ko leke chalte hain andar. Aur apni beauty ko bhi leke chalte hain andar. तो जैसे जैसे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये बार के ना ये बार जो है कम हो रहे हैं, ठीक है यार, इतना होता है। ठंडी पड़ गई है लगता है, तो कोई नहीं आज। तो भाई लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। ओके भैया, तो बी आई सी काफ़ी ज़्यादा अंदर जाके है वैसे, और काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया में फैला हुआ है। अच्छा, वैसे आरसी के अंदर वाइब्रेशंस तो है बट लेकिन पावर भी उतनी ही है। तो पीछे अपने ट्रक आ रहा है और यहाँ हम चल रहे हैं। तो इनर सर्किट रोड ये है, एक्सिस गेट 29 to 30, उधर से तो बंद है, उधर से जाना पड़ेगा। सारा जो है अपने को नेविगेशन मिला हुआ है, जाना है सीधा। यहाँ की एंट्री भी बिल्कुल ट्रैक जैसी है, मतलब यहाँ पे भी लीन कर लो, जो मर्जी कर लो। इनर सर्कल रोड यही है, यहाँ से एंटर करना है अंडर सर्कल पे जाने के लिए। यार यहाँ पे सर्दी कितनी है, मतलब ठंड लग रही है मेरे को, कि मैं अंदर एक टी शर्ट पहन के आया था एक्चुअल में, और टी शर्ट पहन के आया हूँ तो यार इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना। बस यहाँ से तो बंद है, यहाँ से इधर जाना होगा। यहाँ पे एंट्रेंस पे पास दिखाना होगा हमें, क्योंकि तो मेन एंट्रेंस है। भैया दिखाऊं? रुको, सब कुछ निकालना पड़ता है यार। ट्रक का भी बाइक जानी है हमारी, ठीक है, पार्किंग की साइड है। ओके, वेलकम टी टू बोथ इंटरनेशनल सर्किट। तो यार ये तो थोड़ा सा, ओ सो दैट इज बोथ इंटरनेशनल सर्किट, और हम कर चुके हैं यहाँ एंटर और अपनी बाइक्स लेके पहुँचना है हमने। अच्छा, नदी भी है इधर। भाई ये प्लेस ना मतलब अलग ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है अपने आप में, और बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में ये फैला हुआ है यार, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है। मैं अगर इसके लिए गूगल करते हैं और देखते हैं कितना एरिया फैला है, मतलब इस यहाँ पढ़ सकते हैं। तो इधर पार्किंग है, मैं पार्किंग पता कर लेता हूँ, पार्किंग किस साइड है। ऐसे इधर ही सारी बाइक्स वगैरह सब कुछ पार्क होती हैं, तो इधर देखते हैं। तो नेविगेशन तो इधर दे रखी है, तो चेक करते हैं जाना किधर है। सो हेयर वी हैव पार्किंग। तो एरिया यही है, सर्विस एरिया, होल्डिंग एरिया इधर है। यहाँ पे हम भी करते हैं अपना वाहन पार्क, हम बाइक को भी आराम देते हैं। तो आते हैं मेन कैमरा पे, यानी अपने मोबाइल पे। सो गाइस, दिन निकल चुका है, आप देख ही सकते हैं बाइक्स यहाँ खड़ी हुई है। पीछे जो ट्री कलर के अंदर आपको जो जगह दिख रही है, दैट इज़ BIC, यस, बोथ इंटरनेशनल सर्किट। और फाइनली हम अंदर आ चुके हैं, एंट्री हो गई, सब हो गया, हमारी बाइक्स वगैरह आ गई है जैसे कि मैंने आपको बताया था। सो हियर वी हैव दैट 3S1000RRs, और पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, मतलब ये कोई बाइक आ रही है। ओके, तो हमारे पास है BMW S1000RR थर्ड जेन, जो कि न्यू फेस लिफ्ट है, और दैट इज़ ओल्ड मॉडल द सेकंड जेन, जो कि AC मीटर का लाइट वाली है, सबकी चहेती चहेती ये वाली भी है। सो
सो इट हैज एक्रोपोविच फुल सिस्टम एग्जॉस्ट एंड द थर्ड वन इज S1000RR M Sports. We have two M Sports and the one single standard variant of S1000RR. And here we have Ninja 1000, the new model, the limited edition we have here. So you can see. So सारी बाइक यहाँ पे लगी हुई हैं और अंदर जाने की तैयारी अब करनी है फटाफट से. मोहित भैया भी आने वाले हैं. पीछे आपको दिख ही रहा होगा मेरे बूथ इंटरनल सर्किट है और मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, मतलब देखने में, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ आने का. और पीछे इतनी ज़्यादा मतलब जो ये जो आपको इसकी छत में बोलूँगा, इसकी छत जो आपको दिख रही है ना, मतलब यार ऐसा लग रहा है इतनी ज़्यादा बड़ी है तो बहुत अजीब लग रही है देखने में. मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज है, कहते हैं नकली सी लगती है एनिमेशन, इट इज़ जस्ट लाइक वैसी ही लग रही है. तो चलो करते हैं अभी आगे बात, अभी अंदर जाके भी देखते हैं, शॉट्स वगैरह लेते हैं अंदर. Wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. So that is pit area. और यहाँ से pit area के बाद से यहाँ पे जो होता है actually हमारी bikes वगैरह जितनी भी खड़ी रहती है, tires वगैरह, heat, वो काफी सारी चीजें यहाँ पे होती हैं. और इसी के बाद जो है यहाँ से हम enter करते हैं और जो हमारी बाइक्स है वो बेसिकली यहाँ से निकलती है. सो आज का जो इवेंट है वो इंडिया स्पीड फेस्ट की तरफ से है एंड नॉर्थन मोटर स्पोर्ट, आप दिख रहा होगा आपको काफ़ी सारी चीज़ें. वो ये पूरा पिट एरिया है एंड यहाँ से जो है एक्चुअल में अभी एक साउंड बजता है जब भी कोई बाइक्स वगैरह आती है. तो ये एरिया है, तो यार बहुत देर से कोई बाइक की आवाज़ आ रही है बट आइडिया नहीं वो किधर आई थी. मुझे लगा ट्रैक पर वो बाइक घूम रही है. तो ये जो पूरा एरिया है, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे बाइक्स के और कार्स की कंपनी के नाम लिखे हुए हैं. तो इधर लिखा हुआ है लैम्बोर्गिनी दिल्ली, एस्टन मार्टिन न्यू दिल्ली, टोराइड्स, काफ़ी सारी मतलब कावासाकी, काफ़ी सारे कंपनीज के नाम आई थिंक जिनके ये पिट हैं, जो पिट्स मतलब इसको बोलते थे पिट से, तो आई थिंक उनके हैं. और इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ इधर से चढ़ने का, वैसे इस एरिया में से बाइक्स आपको लेके जानी पड़ती है, इस एरिया का नाम मैं भूल गया क्या कहते हैं. प्लस यहाँ से चढ़ने के बाद जो मेन चीज़ है वो हमको दिखती है, दैट इज़ द ट्रैक. सारी बाइकें निकलती हैं यहीं से, स्टार्ट होती है, पीछे सारी सीटिंग है, कोई भी रेस वगैरह होती है कुछ भी होती है तो यहाँ पे एंट्रेंस होता है सबका. और भाई ये जन्नत है, इट इज़ जस्ट लाइक अ ड्रीम. फर्स्ट टाइम आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. मतलब यार आप खुद देखोगे अगर, तो आप मेरी आँखों से या मेरी वीडियो से जज नहीं कर पाओगे कि यहाँ पर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. तो एक बार ट्राई मारते हैं बाकी. तो पीछे आपको दिख रहा होगा पूरा BIC सर्किट है. तो वीडियो में आगे तक बने रहना यार, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट होने वाला है. अभी स्टार्ट होएगा सब कुछ, इवेंट वगैरह 7 बजे स्टार्ट होएगा. तो आगे मिलते हैं. सो अभी हमारे सामने खड़ी है ZX10R दैट CBU1 यूनिट और मैं अंदर से खैर विजिट करके आ चुका हूँ. आपको आपको मिलाता हूँ मैं हमारे दुर्गेश भैया से. तो कैसे दुर्गेश भैया? बस वही एक्स्ट्रा प्रीमियम. तो दुर्गेश भैया की 10R है एक्चुअली में. तो दुर्गेश भैया भी ट्रैक पे आज राइड करेंगे. तो हमारे काफ़ी अच्छे भाई हैं, हमेशा जब भी मिलते हैं एक नॉलेज का भंडार जरूर देके जाते हैं और काफ़ी नॉलेज हमारी गेन करते हैं. तो मिलते हैं फिर आज, देखते हैं क्या होता है. तो भैया तो पूरी तैयारी करके आए हैं मतलब. तो चलो आगे बात. यहाँ हमारा रेडलाइन रेसिंग किंग पाजी जो है हमारे, उनकी बाइक है S1000RR. तो वो अपना यहाँ पे पिकअप ट्रक पे अपनी बाइक लेके आए हुए हैं और सामने हमारे दुर्गेश भैया. तो अभी वेट कर रहे हैं मोहित भैया वगैरह का आने का. मोहित भैया वगैरह आ जाएंगे. भाई आगे घूम रहा है हेलमेट वगैरह लेके हाथ में. एक्चुअली में कोई जगह नहीं है यहाँ पे इंतज़ार करने की, बैठने की, अंदर बैठने की, लेकिन वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है. तो भाई हमने तो फिर बाहर ही आ गए. पीछे से बाइक्स के साउंड बहुत आ रहा होगा क्योंकि यार सारे बाइकर सब धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं और पीछे जो है आपका बहुत बड़ी जगह है यार अंदर आने के लिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है अभी. और बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो में एंड तक रहना है, पूरा प्योर फन मिलने का बाइक का. अगर आप बाइक एंटर अगर बाइक्स को लव करते हैं तो ये भाई वीडियो आपके लिए ही है. आ रही होगी बस पीछे से.
blast, and this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic. Yeah, if I ever play, I want it. सो भाई फाइनली हमारी सारी बाइक्स ने अंदर एंटर कर लिया है, हमारी बाइक्स सारी पिट में लग चुकी है, बाकी अभी टायर ब्रश काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो ट्रैक पे जाने से पहले चेक करनी होती है। तो सामान वगैरह सारा पेट्रोल वगैरह हमने अपना रख लिया है, सारे सूट्स वगैरह ट्रैक वैक जो भी हमारे सामान है एग्जैक्ट हमने रख लिया है। बाकी हमारे ग्रुप के और भी बंदे आ रहे हैं तो सारी तैयारी हो गई है। माउंट मैंने फिट कर दिया भैया ये बाइक पे, ये फोटो ये कह रहा मेरी फोटो खींचना बढ़िया बढ़िया फोटो खींचवा ली। तो भरत कह रहा था कि भाई फोटो खींच दे, तो मैंने चल ठीक है यार खींच देता हूँ। बाकी मैंने आपको सारा सीन दिखाई दिया था, तो फिलहाल सीन कुछ ऐसा है, सारी बाइक्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं, टेना डुकाटी इटालियन ब्यूटी और सारी मतलब कावासाकी बाइक्स 1000 हमारी सारी लगी हुई है। तो आगे मिलेंगे, करते रहेंगे बात, वीडियो लंबा हो जाएगा तो दो पार्ट में कर देंगे और देखना ज़रूर है आपने। बाकी सारा सामान हमारा जैसे हिमांशु भाई का हेलमेट वगैरह सब इधर ही रखा हुआ है, और ये अल्पाइन सर्स का नेक्स्ट वगैरह का हेलमेट सारे हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम बिल्कुल सेट हुई पड़ी है। तो अभी बाकी चीज़ का वेट है तो करते हैं। अच्छा आपको बाकी सरप्राइजिंग चीज़ दिखा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कार्स भी चलने वाली है तो बाइक्स नहीं चलेंगी सिर्फ। इधर एस्टन मार्टिन की हमारा कोई मॉडल खड़ा हुआ है, एग्जैक्ट मॉडल पता नहीं, तो ये रिवील होएगा। देन उसके साइड में आपको दिख रहा होगा एट द राइट साइड दैट इज़ लैम्बोर्गिनी हुरैकन ईवो। सो देखते हैं कौन सी होगी, इसको भी लेंगे शॉर्ट्स में, तो मिलते आगे बात करेंगे आपसे। लास्ट सेशन चल रहा है, कैमरा कलेक्ट करना, निकलते हैं।